हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आज आप लोग स्वागत है मोटर अपडेट्स के ऑटो अपडेट्स डेली एपिसोड नंबर 5। आ गई माल, आ गया। तो दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब होने की वजह से मैं 2 दिन तक वीडियो कोई भी शूट कर नहीं पाया हूँ, और थोड़ी सी सर्दी और खांसी थी इसलिए। रात भर खांस रहा था, जाके मेरे बाटले से 2 घूंट मार ले जा। क्यों, दारू पीने से खांसी चली जाएगी क्या? और थोड़ी सी हल्की सी नाजुक सपन लग रहा था, शरीर जैसे टूट रहा हो ऐसा लग रहा था। बट आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अच्छा फील कर रहा हूँ, और थोड़ी सी सर्दी खांसी है, बट ठीक है, इतनी हो सकती है सहन, मैं सह लेता हूँ इतना। तो चले दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की भी ऑटो अपडेट्स डेली, और बिना किसी टाइम वेस्ट के। मेरा नाम है ध्वनित और आप देख रहे हैं मोटर अपडेट्स का ऑटो अपडेट्स डेली एपिसोड नंबर 5। और दोस्तों, एकदम नई न्यूज़, और मैं जो वेनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे तीनों दिन की न्यूज़ में पढ़ने वाला हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट पूरी देख लेना, और ऑटो इंडस्ट्री से आप वाकिफ हो जाओ, इसलिए मैं पूरी देखने को बोल रहा हूँ। तो चले दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की भी ऑटो अपडेट्स डेली। दोस्तों, ऑटो अपडेट्स डेली की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं विथ टाटा के साथ। टाटा की टिगोर और टियागो स्पॉट की गई है। आपको मैं इमेजेस नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि टाटा टिगोर और टियागो की CNG इंजन की वेरिएंट के साथ स्पॉट की गई है। मतलब आप जल्दी जल्द एक्सपेक्ट कर सकते हो कि टियागो और टिगोर में आपको CNG भी देखने को मिल सकता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जो काफी बढ़िया डिसीजन है। चले आगे बढ़ते हैं विथ बेनेली लियोनसिनो, वो जो है आज लॉन्च हो चुकी है। इसकी प्राइसिंग कुछ 4.59 लाख रुपीज रखी गई है, और ये कुछ जाती है 4.69 लाख रुपीज, और ये कुछ आपको 500 cc का इंजन मिलता है, और आपको 14 Nm ऑफ टॉर्क का पावर मिलता है, और 21 BHP का आपको पावर मिलता है, और ये कुछ लिक्विड कूल ट्विन टर्बो और 4-स्ट्रोक इंजन के साथ आती है। ड्यू डिस्क ब्रेक्स और वो सब कुछ आपको मिल जाती है। 17 इंच के अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं, और ये इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है, और काफ़ी बढ़िया दिखती है। अगर आपको पसंद आती है तो आप जाके खरीद सकते हैं, बट जेब में आपको 5 लाख रुपए रखने पड़े। अबे साले। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं विथ बजाज। बजाज की पल्सर 180 जो है वो आज लॉन्च हो चुकी है, और इसकी प्राइसिंग कुछ 1.7 लाख रुपीस रखी गई है, जो काफ़ी बजट में आती है, अपने जेब में आ जाती है इतनी है। तो ये अच्छी बाइक है, और इसमें आपको कुछ 13 Nm ऑफ टॉर्क और 19-20 समथिंग BHP का पावर, और ड्यूल डिस्क ब्रेक और वो सब कुछ आपको मिलता है, और 17 इंच के व्हील्स हैं, और आपको आप में पल्सर तो ब्रांड है, बजाज ब्रांड वैल्यू है, बट जो ब्रांड नेम जो होता है ना, वो पल्सर के नाम से जाना जाता है, और पल्सर जो है वो काफ़ी पुरानी बाइक है, जो एक ड्रीम होती है हर लड़के की कि उसके पास एक पल्सर तो होनी ही चाहिए चलाने को। तो यस, काफ़ी बढ़िया है। तो चले दोस्तों, आगे बढ़ते हैं विथ दी MG की जो GSEV जो है, उसकी पेट्रोल वेरियंट भी आने वाली है बहुत जल्द, और इसका जो ट्रेडमार्क है वो लग चुका है, और एस्टर नाम से ये आने वाली है, और बहुत जल्द आपको ये देखने को मिलने वाली है, शायद मार्च और अप्रैल के बीच में ही आपको देखने को मिल सकती है। तो चले दोस्तों, आगे बढ़ते हुए स्कोडा की जो कोसाक जो है, वो गाड़ी बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, और इसमें आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिलने वाला है, और ये आपको कुछ 10 से 15 लाख रुपए की रेंज में देखने को मिलने वाली है। ये एस्टर की कॉम्पिटिटर भी बनने वाली है, और क्रेटा की भी कॉम्पिटिटर आने वाली है। तो यही है कुछ, और आपको बहुत सारे लग्जरी फीचर तो मिलने ही वाले, ऑफकोर्स स्कोडा है इसलिए। तो आपको इसके लिए रुकना है तो रुकिए, क्योंकि ये अनवील होने वाली है 18th of March को, और लॉन्च भी आपको शायद से अप्रैल या मई में देखने को मिल सकता है। तो चले दोस्तों, आगे बढ़ते हैं विथ दी Hyundai वालों ने अपने 25 साल कंप्लीट कर दिए इस वेनसडे को। तो बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेसन टू Hyundai। 1996 से लेके 2021 तक अपने पूरा साथ निभाया, इंडिया के साथ रह के इंडियन मार्केट को बहुत अच्छे से पहचाना, और सिल्वर जुबली आपने कंप्लीट की। तो मैं तो कुछ कहना चाहूँगा Hyundai वालों से कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मार्केट पूरा का पूरा हिला दिया है आप लोगों ने,
और ऐसी ही गाड़ियाँ लाते रहिए आप लोग, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है Hyundai की कार्स। तो चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं विथ दी TVS Apache 310। और ये जो बाइक है, ये इसकी बाइक, ये स्पोर्ट्स बाइक है और इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मैसिवली, क्योंकि आप देखने जाओ नवंबर, दिसंबर एंड फेब, ये सिर्फ 4 महीने के अंदर ही कुछ 15,000 इसके बढ़ चुके हैं और ये अब 2.5 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम की मिलने लगी है। और बढ़िया है, बट पैसे आपको ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। ये आपको कुछ 310 सीसी के इंजन के साथ देखने को मिलती है। इसकी 18 Nm ऑफ टॉर्क और 25 bhp की पावर आपको देखने को मिलती है। तो चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं विथ होंडा CB 350 तो लॉन्च हो चुकी और आपको इसकी CB सीरीज़ में बहुत सारी बाइक्स देखने को मिलने वाली है। और सबसे पहले ये है 650 और 650 आपको मार्च महीने में ही देखने को मिलने वाली है, रिपोर्ट तो ऐसी ही कह रही है, बट देखते हैं कब लॉन्च होती है। और इसकी मैसिवली प्राइस बढ़ने वाली है, 650 का इंजन मिलने वाला है और इसमें कुछ ज़्यादा स्पेसिफिकेशन अभी के लिए बाहर नहीं है। ये प्राइजिस आपको कुछ 8.5 से 10 लाख रुपए के बीच में देखने को मिलने वाली है, जो काफ़ी ज़्यादा है बट है। और ये लॉन्च होने ही वाली है बस मार्च महीने में, थोड़ी सी दूरी पे है। तो चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये भी न्यूज़ जो है होंडा की तरफ से ही है बट छोटी है। और ये जो है CB 500 एडवेंचर जो है वो अप्रैल महीने में लॉन्च होने वाली है, रिपोर्ट तो ऐसी ही कह रही है। और इसकी प्राइसेस और स्पेसिफिकेशन अभी के लिए बाहर नहीं आई है, बस यही थी न्यूज़, छोटी थी इसलिए मैंने बता दिया, मैंने सोचा बता दूँ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं विथ दिस स्कोडा। स्कोडा की ऑक्टाविया जो है वो बहुत ही जल्द यानी कि अप्रैल महीने में ही लॉन्च हो सकती है, यानी कि अनविल भी हो सकती है, कुछ पता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अप्रैल महीने में कुसा की भी लॉन्च है और ऑक्टाविया की भी लॉन्च है, तो पता नहीं। बट अप्रैल महीने में कह रहे हैं रिपोर्ट्स कि बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है। और ये आपको कुछ 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ और 2 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ आपको ये देखने को मिलने वाली है। और आपको बहुत जल्द इसका भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं विद दी फोर्ड। फोर्ड की जो पार्टनरशिप चल रही थी महिंद्रा के साथ वो अभी टूट चुकी है, यानी कि आपको फोर्ड की सी टाइप SUV जो है और बहुत कुछ व्हीकल्स आने वाले थे महिंद्रा वालों की तरफ से फोर्ड की, तो वो आपको अभी कुछ भी नहीं देखने को मिलने वाला है। आज ही उन लोगों ने एंड कर दिया है अपनी पार्टनरशिप का और कह दिया है ऑफिशियली कि हम आगे के कोई भी प्रोजेक्ट्स साथ में मिलकर नहीं बनाने वाले हैं। आपको इसके बारे में थोड़ा सा नुकसान है, क्योंकि देखने जाए तो ये सब कुछ आपके लिए ही था, बट अभी कुछ भी नहीं होने वाला है। तो देखते हैं, अभी दोनों कंपनी सेपरेटली काफ़ी अच्छा काम कर रही है बट फोर्ड का कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। महिंद्रा वाले तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं मार्केट में फैल के। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं विद दी जीप। जीप की जो व्रेंगलर है ये बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है, लोकली असेंबल्ड होगी ये गाड़ी और ये कुछ आपको 2 लीटर के डीजल इंजन के साथ देखने को मिलने वाली है। और ये 7 सीटर SUV होगी, इसमें कुछ आपको 4-व्हील ड्राइव और वो सब कुछ, 8-स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स एंड वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। और इसकी प्राइसेस कुछ रखी जाने वाली है 17 लाख से ऊपर, यानी कि 70 लैक्स अबव। ये कुछ अमीरों वाली न्यूज पैसा ही पैसा होगा, इसलिए आप लोग स्किप कर सकते हो। तो चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं विद दी जीप फिर से, क्योंकि जीप की जो 7 सीटर SUV है ये आपको ईयर के एंड में अनवील होते हुए देखने वाली है। और ये आपको फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 में इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। इसमें भी आपको जीप कंपास वाला 2 लीटर टर्बो डीजल इंजन और 9-स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स और वो सब कुछ तो मिलने ही वाला। दोस्तों आगे बढ़ते हैं विद दी MG GS। MG की GS जो है वो मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें आपको 3 इंजन्स मिलने वाले हैं और ये सबसे पावरफुल होने वाली अपनी सेगमेंट के अंदर। और इसमें आपको 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, फिर 1.3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिल सकता है। और इसमें आपको 6-स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। यही थी आखिरी न्यूज़ आज की। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तरीका है भीख मांगने का।
भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। आप शाने कर लो, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक ले जय हिंद।